गर्म चलना और ठंडा चलना। यदि आप अपने हाथ पर बर्फ रखते हो तो एक पोजीशन ऐसी आती है कि वो बर्फ भी आपको फेंकनी पड़ जाती है, हाथ जलना शुरू हो जाता है। हॉट बर्न, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 50 से ऊपर टेम्परेचर हो रहा है, मई जून का महीना है, पानी आपने एक बाल्टी में बाहर रख दिया था, वो पानी भी उबाल शुरू कर जाता है, उसमें अभी हाथ डालते हो तो जल जाता है। या गर्म लोहा, उस 50 डिग्री टेम्परेचर में जब आप वो कहीं पर पार्क में जाते हो और बैठते हो या छूते हो तो उससे भी जल जाता है, होती है ना जलन। तो कोल्ड बर्न और हॉट वाटर, कोई भी गर्म पेय पदार्थ, चाय गर्म यदि पी रहे हो और बहुत गर्म है और वो शरीर पर गिर जाए तो फफोले पड़ जाते हैं। इसी प्रकार से गर्म सब्जी, विवाह शादी में जाते हो, बाहर से ठंडा बर्तन है लेकिन अंदर से जैसे लेते हो और मुंह में डालते हो, कई बार करना रहा होगा कि ना अंदर जाने का ना बाहर आने का, और मुंह पूरा जल जाता है, जीभ में पूरे छाले पड़ जाते हैं। ठीक है, ये बर्न आपको समझ में आते हैं। बचपन में भी आपने देखा होगा, जब आप पढ़ते होंगे तो कई बार एक शीशा होता था, उस शीशे को हम बालों में घिस करके और किसके पास लेके जाते थे, कागज, और उसमें आग लग जाती थी। तो इसका मतलब है कि घर्षण से भी आग पैदा होती है। और ये एग्जांपल कैसे समझोगे, हाथों को रब कर रहे हो, सर्दी बहुत तेज है तो थोड़ा सा रब किया तो बड़ा आनंद आया, हाथ गर्म हो गए, लेकिन कितनी देर तक रब करोगे। एक पोजिशन ऐसी आती है कि दूसरा हाथ दूसरे हाथ से टच नहीं होता, उसमें से भी आग निकलना शुरू हो जाती है। बरसात बहुत तेज हो रही है और बरसात होते होते क्या हुआ, बिजली कड़ी कड़क, और क्या हुआ, कहाँ पड़ गई बिजली, वहां पड़ गई, इतने लोगों पर इतने जल गए, इतने घर जल गए, इतने हो, उससे भी आग लग जाती है। ये तो आप सब जानते हैं कि सिलेंडर के फटने पर एक महिला के कपड़ों में आग लग गई, एक बीड़ी पीने वाला आदमी स्टाइल से बीड़ी पी रहा था, उसका पप्पू का किसी गरीब की झोंपड़ी पे पड़ गया, उस गरीब में छोटा सा बच्चा सो रहा था, उसमें आग लगी और वो बच्चा जल गया। आग से जलना सब जानते हैं। लाइटर से, बहुत सारे लोग होते हैं आपने देखे होंगे, कई लोगों की मानसिकता इतनी बेकार होती है कि बच्चों को गोदी में ले लेते हैं और बीड़ी पी रहे होते हैं और पीते पीते बीड़ी को उस बच्चे से लगा देते हैं, जब वो ढूंढने शुरू कर देता है और फिर उन्हें, तो कई लोगों की मानसिकता बड़ी खराब हो जाती है। तो ये आग के तरीके मैंने आपको बताया कि आग से जलते कैसे। आपने अपने घरों में अपनी मदर को देखा होगा रोटी पकाते हुए, पहले समय में जब रोटी पकाती थी तो अपने पास जलने का भी इलाज रखती थी, पहले चाहे भले अनपढ़ महिलाएं थी लेकिन हमसे ज्यादा समझदार थी, हमारे पूर्वज चाहे भले ही अनपढ़ थे लेकिन ज्ञानी और विज्ञानी थे। आज हम पढ़ लिख गए हैं, शिक्षा हमारे पास बहुत हो गई है लेकिन हम उनके मुकाबले कुछ भी नहीं। वो महिलाएं जैसे ही तवे पर रोटी पलटती थी उनके पोटुआ जल जाते थे, और पोटुआ जलते ही कभी नहीं कहती थी, सोनू के पापा मुझे कहाँ ले चलो, डॉक्टर के पास ले चलो, मेरे हाथ जल गए नहीं। वो फौरन आटे में जो गुथा हुआ आटा था उसमें अपनी उंगली को डालती थी और आराम मिल जाता था। एक लोटे के अंदर पानी रखती थी, तुरंत उस हाथ को पानी में दे देती थी और फिर आटे को भूनना शुरू कर देती थी। उतनी देर में वो जो लाल लाल जलन होती थी, जहाँ से रेडनेस आती थी, वो ठीक हो जाती थी। क्यों? क्योंकि पानी का फॉर्मूला H2O होता है, दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, और जब हाथ जलता है तो रेडनेस आती है, इसका मतलब है कि ब्लड में ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया, जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन था
वो रिड्यूस हो गया, इसलिए आपको जलन महसूस होती है, रेडनेस आ जाती है। और जब पानी में उस हाथ को डालते हैं तो वो ऑक्सीजन की मात्रा पूरी हो जाती है और रेडनेस खत्म हो जाती है। दिस इज द साइंटिफिक कि हम इसका इलाज, जलने का इलाज पानी क्यों है, दैट इज ये पहले अनपढ़ महिला थी उनके पास था, लेकिन आज पढ़े लिखे वैज्ञानिकों ने कहा